अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मैं अपना कॉन्सेप्ट आप लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचा रही होंगी और आप और मैं मिलकर साइंस को आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बना रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और इसके साथ ही मेरे चैनल की वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखा करें ताकि आप किसी भी मालूमात से महरूम ना रह सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 2, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 11 है, होमियोस्टेसिस का चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है होमियोस्टेसिस, ये होमियोस्टेसिस है क्या? तो होमियोस्टेसिस को हम तारीफ यू बयान करते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, कि आप अंदर बॉडी के या एक्सटर्नल जो भी हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी, कि बॉडी के अंदर के जो कंडीशंस हैं, जो उनसे हालात हैं, उसको आप मेंटेन रखें, फ्रॉम द हार्म्स, तमाम उन हार्म्स नुकसान से, एंड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन होते हैं जब कोई चीज ऊपर या नीचे हो जाती है, फ्रॉम दी हार्म्स एंड फ्लक्चुएशन इन दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कि बाहर किसी भी किस्म का कोई आपके पास कोई खतरा पेश है, कोई हार्म है, कोई चीज कम या ज्यादा हो गई है, बाहर जो मर्जी चेंज आ जाए, अंदर की बॉडी को आपने मेंटेन जो स्टैंडर्ड हालात हैं उन पर ही रखना है। जैसे बाहर जितनी मर्जी ठंडी हवा चल जाए, बाहर जितनी मर्जी गर्म हवा चल जाए, बॉडी का सेट टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, तो उतना ही रहना चाहिए। ओके, इसी तरह से जैसे ब्लड है, उसमें स्टैंडर्ड है कि 1 लीटर पर 1 ग्राम ग्लूकोज होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो काम शुरू हो जाएगा, अगर इससे कम होगी तो अलग काम शुरू हो जाएगा। तो आप जितना मर्जी मीठा खा लें, स्टैंडर्ड ये है कि भाई ब्लड में इतना लेवल रहना चाहिए, बाकी को आपकी बॉडी में स्टोर करना है, जिस्म से निकालना है, वो एक अलग सर दर्द है। लेकिन आपकी बॉडी का मेन स्टैंडर्ड लेवल जो है वो एज सच मेंटेन किया गया, तो ये प्रोसेस कहलाएगा होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में 3 बेसिक कैटेगरीज आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आपके पास है उसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। जब हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन का तो मतलब ही मेंटेन करना है, किसी चीज के लेवल को बरकरार रखना है। लेकिन जो वर्ड आपके पास ऑस्मो है, ये आपके पास आता है वॉटर, पानी और सॉल्ट के लिए, यानी पानी और नमकियात, वाटर और सॉल्ट का जब आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। द टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस इन विच वी मेंटेन द वॉटर एंड सॉल्ट ऑफ बॉडी फ्लूड, कि जिस्म के फ्लूड्स का, पानी और सॉल्ट का लेवल जब आप बरकरार रखते हैं तो वो लेवल आपके पास कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में आपके पास जैसे ब्लड में अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बाहर अगर गर्मी है, आपने पानी काफी पिया, बाहर अगर गर्मी है तो आपका काफी सारा पानी तो एक्स्ट्रा उसमें स्वेटिंग में पसीना वगैरह आता है, उसमें यूज हो जाता है। तो गर्मियों में आप नोटिस करें आपको इतना यूरिन नहीं आता जितना आपको यूरिन सर्दियों में आता है, बिकॉज सर्दियों में बाहर गर्मी नहीं है, इतनी स्वेटिंग नहीं हो रही, तो बॉडी के करती है जितना एक्स्ट्रा पानी होता है उसको यूरिन में निकाल देती है। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता, गर्मियों में आपको यूरिन बहुत कम और कंसंट्रेटेड आता है, बिकॉज आपके ब्लड में पानी की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। सेकेंड लेवल आपके पास जो इसमें टाइप आती है वो है थर्मोरेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेगुलेशन से मुराद है मेंटेन करना और थर्म से मुराद है हीट। तो अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर लेवल जो है उसको एक सेट पॉइंट 37 तक मेंटेन किया जाए, तो वो टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस इन विच टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 37 सेल्सियस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, की जिसमें जिस्म के दर्जा हरारत को 37 डिग्री जो है उस पर मेंटेन किया जाएगा, तो वो कहलाएगी थर्मोरेगुलेशन। चाहे बात जितनी भी मर्जी ठंड हो या जितनी मर्जी गर्मी हो, सेट पॉइंट हमारा 37 है। थर्ड टाइप आपके पास आती है एक्सक्रीशन। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ, रिमूवल से मतलब होता है किसी चीज का खात्मा, द रिमूवल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, कि जिस्म से तमाम मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट का जो खात्मा है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपके पास जो वर्ड है ना मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक वेस्ट से मुराद है वो तमाम वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जिस्म में पैदा हुए। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? वो तमाम रिएक्शंस जो एक पूरी बॉडी में सारा दिन होते हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म।
और उस दौरान जो वेस्ट पैदा होंगे, स्पेशली वो वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन है, तो इस तरह के वेस्ट को बॉडी से निकालना कहलाएगा हमारे पास एक्सक्रीशन। तो मेरी वीडियोस को आप इसी तरह से देखते रहिए ताकि आपको पता लगे कि ये तीनों काम हमारी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन हो रहे हैं, किस किस तरह से इन्हें मेंटेन किया जा रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंसानों की बात करें तो ये काम कैसे हो रहा है, अगर जानवरों की बात करें तो ये काम कैसे हो रहा है। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ट्यून इन रहें, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इसको लाइक एंड शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।